साथ देता है, यानी कि इस प्रकार एग्जीक्यूट करके साथ देता अजात शत्रु। अजात शत्रु किसका नाम है? अजात शत्रु यानी कि जिसका कोई शत्रु नहीं हो। अजात अजात मतलब जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो। और अजात शत्रु तो किसका नाम है पता है? युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज भगवान के मतलब परम भक्ति थे, और इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका उनका गुण होता है कि वो किसी के शत्रु नहीं होते, वो हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। और स्पेसिफिकली युधिष्ठिर महाराज के बारे में कहा जाता है कि जिनका कोई शत्रु नहीं था, अजात शत्रु। पर जिनका कोई शत्रु नहीं उसमें फिर दुर्योधन फिर भी शत्रु, मतलब दुर्योधन समझता था कि वो मेरे शत्रु हैं, पर युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु नहीं समझते थे। एक भक्त किसी को भी अपना शत्रु नहीं समझता, इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में भी कह रहे हैं कि भक्त चाहे भक्त के सामने उसका शत्रु भी आ जाए, पर भक्त फिर भी उससे कुछ नहीं छुपाता क्योंकि वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। तो कह रहे हैं कि साध्विता इस प्रकार पांडवों को जब दुर्योधन ने तो साधित्वा अजात शत्रु स्वयं राज्यम अपने राज्य से जो बाहर निकाल दिया था, साधित्वा अजात शत्रु स्वयं राज्यम कितवय हितम, और उनसे उनका राज्य हड़प लिया था। और इस प्रकार जब और इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ, और महाभारत के युद्ध में घातयित्वा असतोः राज्ञः, और इस प्रकार जब द्रौपदी का अपमान किया गया घातयित्वा, घातयित्वा श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि घातक यानी कि मारे जाने पर असतो जो कि असत जो कि लोग थे राज्ञः यानी कि द्रौपदी कचह स्पर्श शत आयुषः। इस प्रकार जब कौरवों के द्वारा स्पेशली दुशासन के द्वारा जब द्रौपदी का अपमान किया गया तो उसका रिजल्ट क्या था, तो लिख रहे हैं कचह स्पर्श, जिस प्रकार जब द्रौपदी के बालों को इस प्रकार घसीट बालों से खींच कर लाया गया शत आयुः आयुषः, शत यानी कि कम हो गई, आयुषः मतलब उनकी आयु कम हो गई। जैसे ही उन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया वैसे ही उनकी आयु कौरवों की आयु अपना भी कम हो गई। ये प्रकृति के नियम काम कर रहे हैं कि अगर भगवान के भक्तों का अपमान होगा तो दूसरे व्यक्ति की आयु अपने आप कम हो जाएगी। ये लिख रहे हैं, ये श्लोक में ही आ रहे हैं। और इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशली द्रौपदी का नाम लिया गया, और श्रील प्रभुपाद सिर्फ द्रौपदी नहीं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा जो 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 हमारी वैदिक जो हमारी सभ्यता है, हमारी वैदिक सभ्यता में केवल स्त्री की ही सुरक्षा नहीं की जाती, सबसे पहले ब्राह्मणों की सुरक्षा की जाती है, दूसरा ब्राह्मण गाय स्त्री बच्चे और बूढ़े, इन पांच जो कैटेगरीज हैं ये जो पांच विभाग हैं इनकी स्पेशली इनकी रक्षा की जाती है, और इसलिए इनको कभी मारा नहीं जाता। जैसे हम कहते हैं ना स्त्री पे कभी हाथ नहीं उठाया जाता, उसी प्रकार ब्राह्मण को कभी मार नहीं सकते, उसी प्रकार गाय को मारना पाप है, उसी प्रकार हम बच्चों को नहीं मारते और बूढ़ों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब इसके पीछे सिर्फ ये आश्रित हैं इसलिए नहीं कि ये कमज़ोर हैं, हमें ऐसा लगता है ना जैसे स्त्री की रक्षा करनी चाहिए या बच्चों की रक्षा करनी चाहिए तो ये कमज़ोर हैं, पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमारी सभ्यता में इसके पीछे तो एक्चुअली हमारी सभ्यता बहुत वैज्ञानिक तरीके से चलती थी, और तो जिसको हम कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म, तो इसमें किसकी रक्षा है? ब्राह्मण। ब्राह्मण स्त्री गाय बच्चे और बूढ़े,
इन सब की रक्षा क्यों है, ब्राह्मण की रक्षा क्यों की जाती है? तो ये हमारी, ये पूरा वैज्ञानिक तरीके से हमारे जो सिस्टम था वो था। तो ब्राह्मण की रक्षा क्यों जाती है? क्योंकि ब्राह्मण समाज को दिशा दिखाता है कि हमें किस तरफ जाना है। आजकल सब लोग भाग रहे हैं पर किसी को ये नहीं पता कि क्यों भाग रहे हैं, या पैसा है पर ये नहीं पता पैसा यूज़ कैसे करना है, यही नहीं पता। तो ब्राह्मण इसलिए पहले राजा को भी राजा के सलाहकार कौन होते थे? जैसे चाणक्य पंडित। तो अपने आप में वो बिल्कुल निर्धन रहते थे, पर पूरे राज्य का, राज्य किस दिशा में जानना चाहिए या हमें मेहनत किस दिशा में करनी चाहिए, वो एक ब्राह्मण बता सकता है। क्योंकि ब्राह्मण स्त्री और धन से अटैच नहीं है। जो व्यक्ति स्त्री और धन से अटैच होगा वो तो इन्हीं चीज़ों के पीछे जाएगा, पर जो व्यक्ति अटैच नहीं होगा वो वास्तव में, जैसे अगर ड्राइवर ही सो गया तो फिर रेल का एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो ड्राइवर हमेशा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए और सबसे अनअटैच्ड व्यक्ति होना चाहिए। तो ब्राह्मण इसलिए समाज के लिए दिशा दिखाता है। तो स्त्री की रक्षा क्यों करनी चाहिए? हाँ, एक तो आश्रित है, दूसरा यह है कि तो स्त्री चेस्ट होती है ना, मतलब पतिव्रता। तो एक्चुअली स्त्री अगर पतिव्रता होगी तो पूरा समाज एक्चुअली धर्म की रक्षा करना सीख जाएगा। क्योंकि स्त्री से ही परिवार बनता है और स्त्री से ही बच्चों को शिक्षा मिलती है। तो अगर स्त्री बची रहेगी तो पूरा समाज बचा रहेगा। तो समाज की सुरक्षा के लिए एक्चुअली पूरा समाज एक स्त्री पर डिपेंड करता है। क्योंकि स्त्री शिक्षा प्रथम बच्चे का प्रथम स्कूल क्या कौन होता है? माँ होती है ना उसकी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है स्त्री। और गाय क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हमारी स्पेशली हमारे जो हमारी सभ्यता किस पे? कृषि आधारित है, तो कृषि और गऊ पे। तो गाय क्योंकि दूध देकर, केवल दूध नहीं, दूध गोबर और बल्कि दूध से कितनी सारी चीज़ें, घी, दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सारी चीज़ें एक्चुअली एक सभ्यता को आगे बढ़ाती है। और क्योंकि सत्वगुणी आहार है दूध, इसलिए ये हमें भगवान को समझने में ये आहार हमें मदद करता है। गाय इसलिए हमारी माँ है। तो गाय एक्चुअली पूरा समाज चला रही है, इसलिए गाय की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आजकल गाय नहीं है तो इसलिए आजकल क्या है, फैक्ट्रीज है। और आजकल खाना कहाँ बन रहा है? फैक्ट्रीज में बन रहा है। इसलिए सबकी चेतना किस में जा रही है? सिर्फ पैसे में जा रही है। पहले सत्वगुणी चेतना होती थी तो सब सुरक्षा के दृष्टि से समझते थे। बच्चे क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि बच्चे कल का भविष्य है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा ज़रूरी है, और सुरक्षा मतलब शिक्षा। और बूढ़े क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि बूढ़ों के पास एक्चुअली उनके पास आखिरी समय है अब भगवान को प्राप्त करने का। उनका समय ख़त्म हो रहा है ना, समय ख़त्म हो रहा है। तो अगर उनको दिशा नहीं दिखाएंगे तो मनुष्य जन्म का पर्पस ही डिफीट हो गया है ना। इसलिए हमारे समाज में एक्चुअली ये चांस है मनुष्य जन्म, हमें चांस मिला है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल सकें। और इसलिए हमारी जो सभ्यता थी तो वर्ण और आश्रम, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारे गुण हैं। अलग अलग गुणों के अनुसार हर कोई अलग अलग पोजिशंस पे है, पर सभी के लिए दिशा क्या है? सभी के लिए, चाहे जिसका जो मर्जी गुण हो, चाहे कोई जो मर्जी ऑक्यूपेशन कर रहा हो, जो मर्जी जॉब कर रहा हो, पर समाज में दिशा सबके लिए है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर अगर गृहस्थ जीवन में एंटर करना है तो गृहस्थ जीवन बल्कि कैसे जीना है, फिर गृहस्थ जीवन जब बच्चे बड़े हो जाएं तब वानप्रस्थ और फिर संन्यास। तो ये दिशा दिखाने के लिए वर्णाश्रम, इसको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इसको बनाया गया कि दिशा क्या है, संन्यास क्या है, तो संन्यास मतलब सत्न्यास। अल्टीमेटली मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है कि भगवान को प्राप्त करना।
ये क्लियरली हमारे जो वैदिक परंपरा में ये क्लियर था, और इसलिए यहाँ पर बात आ रही है कि स्त्री की, क्योंकि स्त्री की रक्षा नहीं की गई या इनमें से किसी की भी अगर रक्षा नहीं की जाएगी तो क्या होगा, आयु कम होगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कलयुग में आयु कम हो रही है, क्योंकि कोई इन चीज़ों की रक्षा कर ही नहीं रहा। आयु अपने आप कम होगी, आप कुछ अनार अनार खाने से, कुछ गिलोय खाने से आपकी आयु नहीं बढ़ेगी, चिंता मत कीजिए। जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, कोई टैबलेट्स खाने से आयु नहीं बढ़ेगी, ये शास्त्र कह रहे हैं। बल्कि कह रहे हैं कि इसलिए, क्योंकि अपमान किया गया यहाँ पर, स्त्री या धर्म का अपमान किया गया भरी सभा में, इसलिए कौरवों की उम्र कम हुई और महाभारत का युद्ध हुआ और सब के सब, पता नहीं भगवान को प्यारे हुए कि नहीं, पर भगवान ने तो चलो उनको कृपा की। तो सिक्स श्लोक में बता रहे हैं, याजयित्वा, इस प्रकार जजन करके, इस प्रकार क्रिया करके, याजयित्वा अश्वमेधई स्तंभ, अश्वमेध यज्ञ। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याजयित्वा अश्वमेधई स्तंभ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में कहा गया, अश्वमेध यज्ञ। और कितने अश्वमेध यज्ञ, त्रिभी, तीन अश्वमेध यज्ञ, उत्तम कल्पकई है, और बल्कि उत्तम तरीके से तीन अश्वमेध यज्ञ किए गए, और किसके द्वारा करवाए गए, स्पेशली यहाँ पर लिखा गया कि भगवान के, भगवान की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज ने तीन अश्वमेध यज्ञ किए। तो भगवान की इच्छा से, तो भगवान ही एक्चुअली चाह रहे हैं कि अब युधिष्ठिर महाराज तीन अश्वमेध यज्ञ करें। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान भक्तों के माध्यम से कुछ दिखाना चाहते हैं, और वो क्या दिखाना चाहते हैं, तो सेकंड लाइन में आ रहा है, तद यशः पावना दिक्षु, यश, भक्तों का यश। भगवान भी चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का यश तीनों लोकों में फैले। अब जब महाभारत का युद्ध हो गया, तो अब ये डिक्लेयर करने के लिए कि युधिष्ठिर महाराज से ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि महाभारत का युद्ध ही हो गया, जो जैसे वर्ल्ड वॉर हो गया ना, तो जो कंट्रीज उस तरफ थी और आधी कंट्रीज इस तरफ थी, अब कोई कंट्री नहीं बची। इसलिए अश्वमेध यज्ञ करके ये डिक्लेयर किया जाता है कि अब या तो सभी उस राजा के अधीन है, या कोई बचा है तो आकर लड़ ले। तो इससे भगवान ने इच्छा की कि अब युधिष्ठिर महाराज का साम्राज्य स्थापित हो, और युधिष्ठिर महाराज का साम्राज्य यानी कि भक्त, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान चाहते हैं, बल्कि यहाँ पर आ रहा है, तद यशः पावनम दिक्षु, उनका यश फैले, और किस तरह फैले, शतमन्योर इव अतनोत, शतमन्यो, जिस प्रकार इंद्र ने 100 यज्ञ किए थे, 100 अश्वमेध यज्ञ, इसलिए इंद्रदेव का एक नाम है शतक्रतु, इंद्र का नाम, उन्होंने 100 यज्ञ किए थे। तो 100 यज्ञ करने, अगर कोई 100 यज्ञ कर सकता है तो वो इंद्र की पोजीशन में पहुंच सकता है। पर यहां पर युधिष्ठिर महाराज का कंपैरिजन सीधा इंद्र से किया गया, इंद्र की पोजीशन पहुंचने के लिए 100 यज्ञ करने की जरूरत है, पर अभी युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ 3 यज्ञ किए, और भगवान उनका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, इंद्र से। तो ये भक्त की महिमा होती है कि भक्त को इंद्र के समान पोजीशन मिल जाती है अगर वो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, अगर वो भगवान की इच्छा पूरी करता है तो वो इंद्र के समान है। हालांकि इंद्र इस धरती पर, तो इस धरती को तो मृत्यु लोक बोला जाता है, यहाँ पर तो मृत्यु है हर, बल्कि इस संसार में हर व्यक्ति के अंदर द्वेष भावना है, पर वो तो इंद्र लोक है, वहाँ पर जो हेवनली प्लैनेट्स हैं वहाँ पर तो करोड़ों गुना ज़्यादा आनंद है, पर फिर भी भक्त की पोजीशन इंद्र के समान है। यहाँ पर लिखा है शतमन्योर इव, इंद्र के समान उनका यश फैले, भगवान ने इसलिए युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए, और इसलिए भगवान चाहते हैं कि भक्तों का यश फैले। तो ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा क्या है,
कि भक्तों का यश फैले, किस तरह फैले, इंद्र की तरह। भक्तों का यश फैले, और सातवें श्लोक में कह रहे हैं आमंत्रय पांडुपुंत्रश्च सैन्य उध्व संयुक्त द्वापनायन आदिभिः विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, पूजितैः प्रतिपूजितः, कि इस प्रकार जब भगवान ने वो यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ में सभी आए थे। कौन कौन आए थे, आमंत्रय पांडुपुंत्रश्च, पांडुपुत्र तो थे ही, सभी पांडुपुत्र थे, आमंत्रय सबको इन्वाइट किया गया उस यज्ञ में, सबको इन्वाइट किया गया। आमंत्रय पांडुपुत्राश्च सैन्य, यानी कि सात्यकी, उद्धव, मतलब मेन मेन का बता रहे हैं, उद्धव जी और कौन, और मतलब सभी राजा थे, पांडु थे, सभी राजागण थे, और कह रहे हैं कि द्वापायन आदि भी, द्वापायन कौन है, वेद व्यास जी, व्यासदेव उनका नाम है, कृष्ण द्वापायन व्यास। तो कह रहे हैं कि आदि व्यासदेव और आदि ऋषि भी इस यज्ञ में आए थे, पर इस यज्ञ में आकर अल्टीमेटली क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सभी विप्र भी आए थे, सभी ब्राह्मण भी आए थे, स्पेशली लिखा है कि सभी ब्राह्मण भी आए थे, पर पूजितैः प्रतिपूजितः, किसको पूजा गया, भगवान को पूजा गया, भगवान श्री कृष्ण को इस यज्ञ में एक्चुअली ब्राह्मणों के द्वारा पूजा गया, और प्रतिपूजितः, और भगवान ने भी उनका आदर किया। तो भगवान, हालांकि यहाँ पर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान किस रोल में थे, एक क्षत्रिय के रोल में थे, और क्षत्रिय कभी ब्राह्मण के द्वारा नहीं पूजा जाता, क्षत्रिय ब्राह्मण को पूछते हैं, पर यहाँ पर सभी को पता था कि भगवान कृष्ण हालांकि क्षत्रिय के वेश में थे, पर वो स्वयं भगवान थे, इसलिए भगवान को उन्होंने सीट पर बिठाया, और भगवान ने भी सोसाइटी का जो कस्टम है, जो सामाजिक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था का पालन करने के लिए भगवान ने भी ब्राह्मणों की फिर पूजा की। तो भगवान हमेशा ये ध्यान रखते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठ, कि जैसा मैं आचरण करूँगा वैसा ही कल को फॉलो किया जाएगा, इसलिए भगवान ने भी ब्राह्मणों की पूजा की और ब्राह्मणों ने भगवान की पूजा की। पूजित ही है, प्रतिपूजित है, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान कभी धर्म नहीं तोड़ते जब तक भगवान के भक्त, जब तक भगवान के भक्तों पर ना बने, उस समय भगवान धर्म तोड़ सकते हैं। भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया था, जबकि भगवान ने अपना वचन ही तोड़ दिया। एक क्षत्रिय अगर अपना वचन तोड़ना बहुत बड़ी बात है, और बल्कि लोग कहते ही हैं कि तो भगवान का एक नाम है रण छोड़, भगवान रणभूमि छोड़कर ही भाग गए, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, पर भगवान फिर भी फेमस हो गए, ये दिखाता है कि वो साक्षात भगवान थे, इसलिए फेमस हुए। तो भगवान यानी कि पूजित ही है, प्रतिपूजित है, भगवान को पूजा जाता है और भगवान भी पूजित है। पूजित ही है प्रतिपूजित, पूजित ही है प्रतिपूजित, ये भगवान के लिए बोला गया। तो एक एक श्लोक में एक्चुअली आप देख सकते हैं कि एक एक श्लोक में एक एक सिद्धांत है, है ना, मतलब इसमें केवल भगवान का केवल हम कोई स्टोरी नहीं पढ़ रहे, इसमें जो भी क्रिया हो रही है उसके पीछे जो सोसाइटी में जो कस्टम चल रहा था, जो वहाँ पर जो जो वैज्ञानिक तरीके से जो सभ्यता जिस तरह फॉलो की जाती थी, जो सभ्यता के पीछे जो आधार था उसको समझाया जा रहा है। और आठवें श्लोक में कह रहे हैं गंतुम, इस प्रकार जब भगवान चलने को तैयार हुए, जब अश्वमेध यज्ञ भी संपन्न हो गए,
गंतुम कृतमतिम, गंतुम गंतुम कृतमतिह ब्रह्मन द्वारका रथम आस्थित, द्वारका को जाने के लिए भगवान तैयार हुए। अब गंतुम कृतमतिम कृतमतिह ब्रह्मन द्वारकाम रथम आस्थित उपलेभे अभिधावंतिम, तो एकदम से कौन आ गया पिक्चर में, उपलेभे, तो कौन दिखाई दी वहां पर, उपलेभे अभिधावंतिम, भागते हुए कौन आई, उत्तराम, उत्तरा आ गई। अब उत्तरा कौन थी, परीक्षित महाराज की, अभी तो परीक्षित महाराज जन्म नहीं लिया था उन्होंने, तो परीक्षित महाराज पिछले चैप्टर में हमने देखा था ना कि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो वो उस सीन को फिर से बता रहे हैं ये कि उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे तो उनके प्रति जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था तो उत्तरा अपनी सुरक्षा के लिए भागते हुए भगवान के पास आई। उपलेभे अभिधावंतिम उत्तराम भय वेलाम, भय से भागती हुई भगवान के पास आई। तो जहाँ पर शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्त के जीवन में कभी भी कुछ होता है तो, जैसे बच्चे के जीवन में कुछ भी होगा तो किसके पास जाएगा, माता पिता के पास जाएगा, पर यहाँ पर उत्तरा के गर्भ को जब नुकसान पहुँचने वाला था, जब परीक्षित महाराज को मारने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया, तब उत्तरा एक्चुअली अभी आएगा कि सुरक्षा के लिए भगवान के पास भागे। तो भक्त के जीवन में कुछ भी होता है तो वो किसके पास, वो किसी देवी देवता के पास, किसी कोई लीडर के पास नहीं जाता, वो किसके पास जाता है, केवल और केवल कृष्ण के पास जाता है, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान पर निर्भर होते हैं। भक्त हमेशा किस पर निर्भर होते हैं, निर्भर होते हैं, और कैसे निर्भर होते हैं, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर होते हैं, वो और किसी के पास नहीं जाते। पर प्रश्न ये उठता है कि उत्तरा को, पर भक्त तो भगवान से कुछ मांगता नहीं है, वो तो यही सोचता नहीं कि भगवान की इच्छा है। तो अब नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है कि उत्तरा क्या सोच रही थी। हमें लग सकता है कि उत्तरा अपनी जान की रक्षा के लिए, जैसे द्रौपदी, हमें लग सकता है कि द्रौपदी अपनी लज्जा की रक्षा के लिए भगवान को पुकारा, उसी बात को काटने के लिए ये नेक्स्ट श्लोक आ रहा है कि उत्तरा क्या सोचकर भगवान के पास भागी। वो अपनी रक्षा के लिए भगवान के पास नहीं भागी थी, अपनी रक्षा के लिए नहीं भागी थी, किसके लिए भागी थी, नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है 9th में, उत्तरा उवाच पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। तो मैंने बताया, हमने पहले डिस्कस किया था ना कि 2-3 क्लास पहले, कि भक्त के जीवन में भक्त कभी भी भगवान के पास जाता है, चाहे कुछ मांगने के लिए भी जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, भगवान का गुणगान करता है। उत्तरा भी भगवान के पास गई तो खाली हाथ नहीं गई, पहले भगवान का गुणगान कर रही है, पाही पाही महायोगिन, कि आप तो महान योगी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, पाही पाही महायोगी, पाही पाही यानी कि आप रक्षा करने वाले हैं, आप रक्षा करने वाले हैं, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, आप देवों के भी देव हैं, जगतपते पूरे जगत के स्वामी हैं, ना अन्यम त्वद अभयम पश्ये, और बल्कि आपके अलावा, ना अन्यम आपके अलावा और कोई सुरक्षा प्रदान भी नहीं कर सकता, और कोई किसी के पास कोई और सुरक्षा देने के योग्य भी नहीं है, ना अन्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, साक्षात मृत्यु से तो आप ही केवल रक्षा कर सकते, अभी अपने बारे में कुछ नहीं बोला उसने, वो सिर्फ भगवान का गुणगान कर रही, और इसलिए इस संसार को, मृत्यु की जहाँ बात आती है, यानी कि किसकी बात आ रही है, इस संसार की बात आ रही है, क्योंकि भगवान जहाँ पर होते हैं वहाँ मृत्यु, वहाँ अंधकार नहीं है, श्लोक चला गया यहाँ से।
पर कृष्णा सूर्यसम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहार नहीं माया रा अधिकार। तो जहाँ सूर्य है वहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ कृष्ण है वहाँ मृत्यु नहीं है। और यहाँ जब मृत्यु की बात हो रही है तो इस मृत्यु लोक की बात हो रही है। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस संसार में मृत्यु क्यों है, क्योंकि हम द्वेष करते हैं, हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, इसलिए हम इस संसार में। और नेक्स्ट श्लोक में कह रही है उत्तरा, अभिद्रवती माम ईश कि अभिद्रवती कि मेरे तरफ, अभी मतलब मेरे तरफ, द्रवती अभिद्रवती माम ईश कि हे भगवान माम मेरी तरफ शरह एक तीर आ रहा है, तप्तः आसेव विभु एक बहुत विशाल तीर आ रहा है, वो तीर कौन सा था, ब्रह्मास्त्र। कामम दहतु माम नाथ, और बल्कि अब आ रहा है श्लोक में कामम दहतु माम नाथ, अगर कामम आपकी इच्छा है, कामम दहतु अगर ये मेरे को जलाने के लिए आ रहा है, कामम दहतु इच्छा है आपकी, माम आपकी इच्छा, हे नाथ अगर ये आपकी इच्छा है, माम ये गर्भ अगर आपकी इच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर माम ये गर्भो नियत निपात्यताम, पर इसको मेरे गर्भ को नुकसान मत पहुंचाने दीजिए। अगर ये मेरे को मारने के लिए आ रहा है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर इस मेरे अंदर जो ये मेरे गर्भ को कोई ये नुकसान ना पहुंचा सके। और ये ऐसा क्यों बोल रही थी, क्योंकि उत्तरा को पता था कि उसके गर्भ में परीक्षित महाराज थे। उत्तरा को पता था कि परीक्षित महाराज ने, परीक्षित महाराज स्वयं उनके मुख से, मतलब वो खुद उनके माध्यम से भागवत प्रकट होने वाली है, बल्कि उनके गर्भ के अंदर कौन थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो भगवान की इच्छा, भगवान के मिशन की रक्षा के लिए उत्तरा ने भगवान से अपने प्राणों की रक्षा की मांग की। अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रही उत्तरा, उत्तरा ये कह रही है कि आपका शुद्ध भक्त मेरे गर्भ में है और मेरी रिस्पॉन्स, मेरी जिम्मेदारी है इसकी रक्षा करना, इसलिए मेरे को आपसे मांगने में कोई शर्म नहीं है। अपने लिए मांगने में शर्म होनी चाहिए, पर भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए कोई शर्म नहीं है। जैसे भगवान की इच्छा पूरी करने हम पैसे इकट्ठे करते हैं ना, मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम कहते हैं कि सभी डोनेट करें, तो भगवान के कार्य के लिए शर्म छोड़ देनी चाहिए, अपने लिए शर्म होनी चाहिए कि अपने लिए हम मांग रहे हैं, कि अपने लिए हम मांगने के लिए आए हैं आप भगवान, हे भगवान हम अपने लिए आपके सामने मांगने, मतलब आपके सामने हम अपने लिए मांगने के लिए आए हैं। तो एक बच्चे को शर्म होनी चाहिए कि वो माता पिता से कुछ मांग रहा है, क्योंकि यानी कि उसे विश्वास नहीं कि माता पिता उसकी देखभाल कर रहे हैं, पर जबकि भगवान का काम पूरा करने के लिए कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। और ये कौन करे, उत्तरा कह रही है, एक सिंपल साधारण स्त्री कह रही है, पर वो साधारण स्त्री नहीं, क्योंकि उनके गर्भ से भगवान के एक्चुअली परीक्षित महाराज जो कि पूरी पृथ्वी पर राज्य करने वाले थे और जिनके माध्यम से भागवत प्रकट होने वाली है, तो वो प्रकट होने वाले, इसलिए उत्तरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तो ठीक है, आज हम इतने ही करेंगे, फिर बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।